वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर एमबी क्लास। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th न्यू सिलेबस एचएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर सेकंड मैट्राइसिस और इसका एक्सरसाइज हम 2.1 देखने वाले हैं। आज हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको इस लेसन का मैट्राइसिस जिसे हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं इसका आपको अगर बेसिक्स भी नहीं आता हमारा इसका बेसिक प्लस एक्सरसाइज दोनों साथ में देखेंगे। ओके, हम इसका स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स और एक्सरसाइज दोनों का सॉल्यूशन साथ में करेंगे। इसका बेसिक्स भी आपको क्लियर हो जाएगा और प्रॉपरली जो सम्स है वो भी हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगे और इन्हें कैसे कैसे स्टेप से सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस, मतलब कि हमें यहाँ पे मैट्राइसिस दिया है और इसमें हमें क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस करना है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स वो है क्या, यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए हमारा क्या है मैट्रिक्स जो किसके बराबर है इसके। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है और इसमें क्या है एलिमेंट्स है, इसमें क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं 1, -1, 0 एंड 3, ये हमारे क्या दिए गए इसमें एलिमेंट्स है। ओके, जब भी मैं एलिमेंट बोलूँगा तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसे हम एलिमेंट बोलते हैं जिसमें हम क्या करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले। ओके, यहाँ पे हमें देखते हैं कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यहाँ पे दिया गया है R1, यहाँ पे डबल साइन है, यहाँ पे क्या है इंटरचेंज करेंगे दोनों, डबल साइन आपको याद रखने इंटरचेंज R2। ओके, R1 मतलब क्या होता है, यहाँ पे R क्या है, R इज यहाँ पे लिखते हैं रो, R1 मतलब फर्स्ट रो। यहाँ पे रो क्या होता है देखिए सर, यहाँ पे रो ऐसा मतलब कि यहाँ पे जो रो रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है। ओके, और आगे हम देखेंगे कॉलम क्या होता है, जो कॉलम कैसा रहता है वो वर्टिकल रहता है और ये कैसा रहता है हॉरिजॉन्टल रहता है। ओके, तो आपको याद रखना है जब भी मैं रो बोलूँगा मतलब ऐसा सीधी लाइन, जैसे यहाँ पे लाइन खींची गई है ना वैसे रो, उसे हम कहते हैं। R1 मतलब क्या, यहाँ पे फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे ये ऊपर वाले। ओके, यहाँ पे हम इसे रो कहते हैं और यहाँ पे R2 मतलब उसके नीचे, यहाँ पे ये हमारा सेकेंड रो हो गया। ओके, और इसे हमें क्या कहते हैं, एक ऐसा बॉक्स है यहाँ पे 2 by 2, 2 by 2, 2 into 2 इसे बोलते हैं हम। यहाँ पे ऊपर दो है रो इंटू कॉलम, यहाँ पे दो रो और कॉलम। ओके, यहाँ पे ये दो, यहाँ पे ये दो है। फर्स्ट में यहाँ पे जो A2 है इसे हम क्या है रो का नंबर्स रहते हैं, यहाँ पे A2, यहाँ पे दो है और यहाँ पे ये ऐसे इसे कॉलम में, यहाँ पे वर्टिकल मतलब यहाँ पे कॉलम में 1, 2, यहाँ पे भी 2, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको 2 by 2 का बॉक्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें मैट्राइसिस 2 by 2 का दिया गया, हम इसे ऐसे बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया गया इंटरचेंज, मतलब कि भाई इसे यहाँ पे ला दो और इसको यहाँ पे ला दो। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमको, ये वाला जो R1 की जगह पे R2 लिख देना है और R2 की जगह पे R1 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखते, हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हम इसे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा जो इक्विवेलेंट टू रहता है साइन, यहाँ पे जैसे इक्वल है यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा रहता है और यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे हम, यहाँ पे इसे ऐसा बॉक्स बनाना है सिंपल जैसा ऊपर दिया गया है। यहाँ पे क्या R1 की जगह पे R2 लिख देंगे, R2 जगह पे R1 लिख देंगे, तो R1 कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर हम क्या लिख देंगे R2 को लिख देते हैं, चलो -1 और यहाँ 3। ओके, और यहाँ पे R2 की जगह पे किसको लिखना है R1 को, यहाँ पे ये इंटरचेंज का साइन है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 और 0, सिंपल। तो हमने क्या किया है यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी देख लिया और समझ लिया इसे कैसे करते। अगर आपको इसका बेस नहीं पता रहेगा तो भी आपको यहाँ पे ये समझ गया होगा ये R यहाँ पे रो है, क्योंकि रो क्या रहता है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, सीधा रहता है लाइन की तरह एक। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट भी क्वेश्चन आएंगे कॉलम मतलब ऐसा सीधा। ओके, यहाँ पे ये 1 -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें सेकेंड दिया गया है B इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्राइसिस है। ओके,
यहाँ पे कितने बाय टू, कितने का यहाँ पे 1 2 3, ये क्या हमारा रो है, यहाँ पे क्या 1 2, ये क्या है हमारा कॉलम है। ओके यहाँ पे क्या है 3 बाय 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय 2। ओके यहाँ पे बस बेसिक, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना नहीं है, बस यहाँ पे आपको समझना है कि मैट्रिसेस कितने का दिया गया, उसमें कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे नंबर्स है, सिंपल। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके यहाँ पे देखते हैं आर वन क्या करना है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा साइन रहता है, सिंपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस 5, तो क्या इसको इक्वल होगा। यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5 है, 10 में से माइनस करते हैं तो कितना हमें 5 मिल रहा है वापस, यहाँ पे दोनों इक्वल है। ओके तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर वन ऐसा साइन रहेगा सिंगल एरो का, तो इसको बराबर मतलब क्या ब्रैकेट में इसे यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब आर वन की जगह पे हम एक इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे। ओके जैसे कि हमने यहाँ पे 5 लिखा इसको सॉल्व करके, चलिए देखते हैं यहाँ पे बी की वैलेंस टू लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट। ओके जैसा ब्रैकेट हमें ऊपर वैसा हम थोड़ा बड़ा नीचे बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते आर वन क्या दिया गया हमें, यहाँ पे ये आर वन है हमारा, सिंपल ये हमारा आर वन है। और क्या करना आर वन माइनस, यहाँ पे आर वन हमें कैसे चेंज करके लिखना है, आर वन माइनस आर टू करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर वन हमें नेक्स्ट दो हमारा न्यू मैट्रिक्स है उसमें हमें लिखना है। ओके यहाँ पे क्या करते हैं हम आर वन माइनस आर टू करते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 दिया गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 लिखेंगे। ओके 1 माइनस 2 तो हमें कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। ओके हमने यहाँ पे -1 फैंड किया, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, हमें यहाँ पे आर वन करस्पॉन्ड टू आर टू। ओके अगर हमें आर वन बोला गया तो हम क्या करेंगे सब में चेंजेस करेंगे, ऐसा कि नहीं इसमें फर्स्ट में करेंगे, तो यहाँ पे चलिए सेकेंड करते हैं, यहाँ पे आर वन माइनस आर टू मतलब -1 -5 करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम -1 -5, यहाँ पे क्या होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 कितना होगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा -6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -6। ओके इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे 3 माइनस 4, यहाँ पे लिखते हैं हम 3 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, बट क्या बड़ा नंबर कौन है 4 है, इसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, आर वन के लिए बस दिया गया था तो आर वन हमने किया। ओके यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जितना दिया गया हमें उतना किया, तो यहाँ पे आप सोचोगे सर इस जो सेकंड रो है हमारा ये नीचे वाला इसमें कुछ चेंजेस करना है, नहीं आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके यहाँ पे आपको जो ऐसा है नीचे दिया गया नंबर एलिमेंट हमारा उसे यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। ओके यहाँ पे लिखेंगे 2 5 4। ओके हमने यहाँ पे क्या किया एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया है a=5 4 1 3, यहाँ पे किसका है कितने का है, जो मैट्रिक्स हमारा कितने का है 2 बाई 2 का। ओके तो यहाँ पे हमें देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमारे एलिमेंट्स में वो हमें दिया गया है, यहाँ पे क्या दिखा है c1 मतलब c4 कॉलम है, यहाँ पे कॉलम कैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे सीधा रहता है, कैसा वर्टिकल मतलब सीधा मैं जैसे कि यहाँ पे 5 1 यहाँ पे हमारा ये कॉलम हो गया। ओके यहाँ पे हमारा एक कॉलम हो गया, यहाँ पे इंटरचेंजेस यहाँ पे कौन सा साइन ने हमें दिया गया है, इंटरचेंजेस मतलब एक दूसरे में बदल जाएंगे, c2 कॉलम 2 हमारा कौन सा है ये, हमने ऊपर क्या किया था रो दिया था, रो को हमने ऊपर नीचे लिख दिया था, ऐसे में यहाँ पे c1 मतलब कॉलम 1 इंटरचेंजेस टू c2 दिया गया है, वैसे हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे जगह बदल देंगे, इंटरचेंज हो जाएगा। ओके चलिए लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे पहले a=2, हमें यहाँ पे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू साइन
ओके यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स है उतना बड़ा बनाते हैं। ये हम मैट्रिक्स के बाद इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू मैट्रिक्स। इसे हम जो फाइंड करते हैं ना इसे हम न्यू मैट्रिक्स बोलते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे C1 इंटरचेंज टू C2 कर देंगे। ओके ये वाला कॉलम उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये वाला कॉलम उठा के यहाँ पे रख देंगे। चलिए करते हैं यहाँ पे 4 3 लिखते हैं, फर्स्ट 4 3 और यहाँ पे 5 1, तो यहाँ पे 5 1 कर देते हैं, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे इसी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया दिया, यहाँ पे हमें B दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ये देखा था। ओके तो यहाँ पे क्या करना है हमको, रो में 3 1 4 5 में क्या करना है, R1 इंटरचेंज करना है R2, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था। ओके क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यहाँ पे क्या दिया गया, R1 इंटरचेंज करेगा R2 में, मतलब ये हमारा रो है फर्स्ट, ये क्या, ये फर्स्ट रो R1 है, ये हमारा सेकंड रो R2 है, ये किस में कन्वर्ट होगा, मतलब कन्वर्ट यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज होगा, ये ऊपर चले जाएगा, R2 की जगह R1 लिखा जाएगा, R1 की जगह R2 लिखा जाएगा। ओके तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बी इक्विवेलेंट टू साइन यहाँ पे ब्रैकेट 2/2 का, यहाँ पे क्या करते हैं हम इसे R2 है 4 5 तो ऊपर लिख देते हैं 4 5 और यहाँ पे R1 3 1 है, यहाँ पे नीचे कर देते हैं हम इसे। ओके यहाँ पे नीचे 3 1, उसके बाद हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो चलिए यहाँ पे हम देखते क्या दिया गया है, यहाँ पे 4 5 3 1 है, यहाँ पे 4 5 3 1, देखिए देखिए यहाँ पे क्या, दोनों जो सेम है, बोथ आर इक्वल, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, इक्वल। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके हम यहाँ पे इसे लास्ट में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे ए में हमने क्या किया, पहले C1 इंटरचेंजेस टू C2, मतलब कॉलम 1 क्या करेगा, इंटरचेंज होगा, जगह बदलेंगे दोनों यहाँ पे। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, बाद में बी में हमें दिया गया R1 इंटरचेंजेस टू R2, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, जगह बदलेंगे, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर। ओके आप ऐसे भी याद कर सकते हैं आपको, अगर आपको यहाँ पे इंटरचेंजेस का साइन दिखता है। ओके यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंजेस किया, बाद में हमें बोला गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे भाई क्वेश्चन ये भी है क्या आप इसमें ऑब्जर्व करते, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 4 5 3 1 4 5 3 1, देखा कि हमने जो दोनों है ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, एकदम सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ए इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है 1 2 -1 0 1 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स है 3/2 का दिया गया है। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2C2, जो 2 है इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इसके साथ 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे जो C2 मतलब C4 कॉलम है। ओके जो 2 है मतलब दूसरा कॉलम, और यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है फर्स्ट, और वो 3 कॉलम हो जाता। ओके तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये कॉलम है इसमें चेंजेस अभी करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 को, A4 हो जाएगा 2 2 सा, और यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। ओके यहाँ पे सेकंड देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे B इक्वल्स टू 1 0 3 2 4 5, यहाँ पे भी क्या 2/3 का मैट्रिसेस दिया गया है। ओके यहाँ पे क्या चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है जो R1 है, ओके R1 अगर हम इस रो को यहाँ पे फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की -3 से कितना हो जाएगा 0 into, अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 0। ओके तो यहाँ पे 0 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे -3 into 2 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ओके तो यहाँ तक हमने यहाँ पे ओरली एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन
सुना। ओके यहाँ पे देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है इसी क्वेश्चन में, नंबर 4 में यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिक्स। ओके मैंने आपको क्या न्यू मैट्रिक्स बताया था, न्यू मैट्रिक्स होता क्या, तो हम क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे हम इसे सॉल्व करते हो, तो वो क्या होता है हमारा न्यू मैट्रिक्स। ओके तो ये क्या करना है यहाँ पे, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या लिखना है, फाइंड द एडिशन, उसका क्या करना है, एडिशन फाइंड करना है ऑफ द टू न्यू मैट्रिक्स, इन दोनों को जो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा उसका हमें एडिशन करना है। ओके चलिए पहले हम इन दोनों को करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे क्या ए इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हमें जो चेंजेस करना है वो पहले कर देते हैं, यहाँ पे क्या सेकेंड है, यहाँ पे क्या होगा जैसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कॉलम फर्स्ट को लिख लेते हैं एज इट इज़ 1 0, और यहाँ पे इसके बाद सी टू को क्या चेंजेस करना वो करते हैं हम, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे क्या 2 1 2 होगा। ओके सिंपल, और इसे हम क्या करते हैं जो C3 यहाँ पे कॉलम 3 उसे एज इट इज़ लिखते हैं हम -1 और 3, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, हमारा क्या है फर्स्ट न्यू मैट्रिक्स। ओके चलिए बी देखते, बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे चलिए इसमें से चेंजेस कराते जो हमें दिया गया -3 R1, मतलब R1 ये फर्स्ट रो। ओके R1 ये हमारा फर्स्ट रो में हमें चेंजेस करना, क्या करना है इसमें R1 में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए करते -3 1 यहाँ पे -3 हो जाएगा, और 0 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, और उसके बाद क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 से इंटू करेंगे यहाँ पे -6 हो जाएगा। ओके यहाँ पे -6, और यहाँ पे जो नीचे का दिया गया यहाँ पे उसके लिए कोई अप्लायंसेस नहीं दिया गया, उसमें कुछ चेंजेस करना वो हमें नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड रो है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके यहाँ पे क्या करते 2 4 5 सेम, ओके एज इट इज़ हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसमें फाइंड द एडिशन, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इन दोनों में एडिशन, तो इनमें एडिशन कैसे करते हैं चलिए करते हैं उसे हम। ओके तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नाउ एडिंग द टू न्यू मैट्रिक्स, ओके टू न्यू मैट्रिसेस, सिंपल मैट्रिक्स लिखिए मैट्रिसेस, नो इशू। ओके तो चलिए हम इन दोनों को ऐड अप कैसे करते हैं वो करते हैं, यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसको और दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं फर्स्ट बॉक्स 1 0 4 2 -1 और यहाँ पे 3। ओके अब क्या करते हैं इन दोनों को ऐड अप का यहाँ पे साइन देते, यहाँ पे सेकंड बॉक्स भी लिख लेते हैं -3 2 0 4 -6 5। ओके यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसका एडिशन करेंगे। ओके तो चलिए इसका एडिशन हम कैसे करेंगे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऐड विथ फर्स्ट एलिमेंट, तो फिर फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा यहाँ पे ये है और इस सेकेंड में बॉक्स में यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये है। ओके तो हम क्या करेंगे इन दोनों का ऐड अप करेंगे और वैसे यहाँ पे इन दोनों का ऐड अप करेंगे और यहाँ पे इन दोनों का ऐड अप करेंगे और नीचे भी हम ऐसा ही सेम करेंगे। ओके चलिए करते हैं यहाँ पे हम नीचे हमें यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाना होगा। ओके ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं फर्स्ट 1 और यहाँ पे -3, इसका क्या करेंगे हम ऐड अप करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा। ओके सिंपल, तो यहाँ पे क्या 1 -3 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा -2 मिलेगा, तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं -2 सिंपल, और ऐसे ऐसे एक एक करके हमें सॉल्व करके यहाँ पे हमने सबका जो एडअप है वो लिखना है। देखिए यहाँ पे हमें 4 दिया गया और यहाँ पे 0, तो इनको एडअप करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 4 + 0, तो सिंपली हमें पता है कि हमें 4 ही मिलेगा। ओके तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे -1 यहाँ पे -6,
माइनस वन माइनस सिक्स, यहाँ पे माइनस माइनस ओके, तो यहाँ पे सिंपल माइनस, दोनों में माइनस है ओके। तो यहाँ पे अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, वन प्लस सिक्स, वन प्लस सिक्स करेंगे कितना हो जाएगा सेवन, तो यहाँ पे सेवन लिखते सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो था पहले उसका हमने ऐड अप किया, इसके बाद हम किसका करेंगे, सेकेंड रो का ऐड अप करेंगे ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ज़ीरो का इसके साथ टू के साथ करेंगे, और ये टू का यहाँ पे हम इसको फोर के साथ करेंगे, और ये थ्री का यहाँ पे हम फाइव के साथ करेंगे ओके। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम यहाँ पे नीचे भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इन्हें जोड़ लेते हैं फटाफट, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ज़ीरो प्लस टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा ओके। यहाँ पे क्या है, टू प्लस फोर, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, टू प्लस फोर करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री प्लस फाइव करेंगे तो एट ओके। थ्री प्लस फाइव यहाँ पे एट, तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, इसका एडिशन किया ओके। यहाँ पे हमने इसका एडिशन किया है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया था, यहाँ पे ए में क्या करना था, सेकेंड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कॉलम टू, किसने से, टू से मल्टीप्लाई करना था, इसको हमने किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे ए इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हमने फर्स्ट सॉल्व किया बॉक्स में, एलिमेंट में जो चेंजेस थे ट्रांसफॉर्मेशन हमने वो किए, उसके बाद हमने यहाँ पे बी में किया ओके। यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस थ्री, यहाँ पे फर्स्ट रो को पूरा मल्टीप्लाई करना था, हमने वहाँ पे ये भी किया। इसके बाद हमें ये दो मिले, न्यू मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं। यहाँ पे बाद में दिया गया था फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिक्स, यहाँ पे इन दोनों का हमें मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड करना था ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिखा पहले, यहाँ पे उसके बाद हमने ये लिखा, और दोनों का क्या किया हमने, यहाँ पे एडिशन किया। तो एडिशन में, यहाँ पे एडिशन में हमने यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, नीचे भी हमने वही किया, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड एलिमेंट एज इट इज़। हमने यहाँ पे रो वाइज देखा जाए तो एक तरफ से जो एडिशन करना रहता है, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स में हमने वो किया ओके। हमारा जो लास्ट में सॉल्यूशन था हमें मिल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, हमें यहाँ पे ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें हमारे एलिमेंट दिए गए वन टू थ्री, माइनस वन वन थ्री, थ्री ज़ीरो थ्री ओके। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमें क्या किया गया, इसमें जो ट्रांसफर वर्जन करना है वो हमें दिया गया। यहाँ पे क्या करना, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो दिया गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री इंटू आर थ्री, मतलब क्या, यहाँ पे जो रो थ्री, यहाँ पे रो हमारा क्या रहता है सीधा, ये फर्स्ट रो है ओके। ये क्या होगा तो आर वन हो जाएगा, और ये क्या है सेकेंड रो है, तो ये कितना हो जाएगा आर टू हो जाएगा, और ये क्या है हमारा थर्ड रो, तो ये आर थ्री हो जाएगा ओके। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड रो ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, थ्री इंटू आर थ्री, मतलब क्या करना है, हमें इसमें थ्री का मल्टीप्लिकेशन करना है ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर थ्री थ्री ज़ा करेंगे, यहाँ पे थ्री थ्री ज़ा नाइन, और यहाँ पे भी थ्री थ्री ज़ा, थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा। यहाँ पे थ्री इंटू वन करेंगे तो थ्री ओके। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो हमें इसमें करने हैं इस एलिमेंट्स में। उसके बाद क्या दिया गया, एंड देन, मतलब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद तो उसमें क्या करना है, एंड देन सी थ्री प्लस टू सी टू। तो चलिए इसे हम जो पहले सॉल्यूशन करते, और यहाँ पे जो आगे का दिया गया है वो हम न्यू मैट्रिक्स में करेंगे ओके। इसे भी कैसे करते वो भी हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखते पहले आंसर हमारा, यहाँ पे हम पहले थ्री क्या करना है चेंजेस, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पर ए इक्विवेलेंट टू ओके, यहाँ पे साइन हमने इक्विवेलेंट का डाल दिया। यहाँ पे हम थ्री बाय थ्री का जो ब्रैकेट है वो हम बनाएंगे, और यहाँ पे क्या आर थ्री में चेंजेस करने ओके। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं आर थ्री में, यहाँ पे थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा, और यहाँ का भी थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा, और यहाँ का थ्री इंटू, यहाँ पे भी थ्री वन ज़ा थ्री हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, आर थ्री में करना था, मतलब रो थर्ड में करना था। यहाँ पे सेकंड रो थर्ड रो में क्या करना है, कुछ नहीं दिया गया ओके। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ नहीं दिया गया, मतलब हमें इसे एज इट इज़ यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स में लिखना है सिंपल। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे वन,
यहाँ पे माइनस वन, थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो, ओके। और अब क्या करना हमें इस न्यू मैट्रिक्स में, एंड देन इसको करने के बाद, एंड देन मतलब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या करना है, सी थ्री कॉलम थ्री में को ऐड करना है टू इंटू कॉलम सेकेंड, ओके, उसको मल्टीप्लाई करके। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया। यहाँ पे हम पहले लिखते सी थ्री प्लस टू सी टू, ओके। तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन से कॉलम में चेंजेस करना है। देखिए इसका जो ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कैसे जो समझना है कि किस कॉलम में चेंजेस करना है। यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं ना, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट दिया रहेगा, ओके, उसको ही आप क्या कर लोगे, ऐसे लिखोगे सी थ्री करस्पॉन्ड टू, बाद में ये जो इतना पूरा है उसे लिखेंगे सिंपल। तो चेंजेस किस में होंगे, सी थ्री कॉलम थ्री में होंगे, ओके। यहाँ पे लिखते हैं प्लस यहाँ का एज इट इज सी टू सी, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई इन दोनों का होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम नीचे ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा थ्री बाय थ्री का ब्रैकेट बनाएंगे हम यहाँ पे, ओके। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट बना लिया। इसके बाद जो इसमें चेंजेस है, किस में चेंजेस है, सी थ्री में, मतलब यहाँ पे कॉलम थ्री, सी कॉलम थ्री। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम जो है, यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको आंसर में ऐसा कुछ नहीं लिखना, ओके। यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको यहाँ पे चेंजेस करने हैं सी थ्री में, मतलब इसको और इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ओके। चलिए लिखते हैं यहाँ पे वन टू नाइन, यहाँ पे माइनस वन वन एंड देन नाइन, ओके। अब क्या करते हैं, चलिए इसमें जो चेंजेस है वो हम कर लेते हैं सी थ्री मतलब कॉलम थ्री में, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे उसे लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम पहले जो है ऐसे एज इट इज़ लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं सी थ्री प्लस टू सी टू, ओके। यहाँ पे सी थ्री क्या हमारा ये है, ओके। तो चलिए यहाँ पे दिया गया पहले सी थ्री, यहाँ पे सी थ्री का फर्स्ट वाला लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर थ्री दिया गया, तो यहाँ पे थ्री देन प्लस यहाँ पे टू है, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई क्या दिया गया है सी टू, सी टू कितना है यहाँ पे, मतलब कॉलम टू में ये, ओके, ये हमारा क्या है सी टू है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया गया माइनस वन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा टू इंटू माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये थ्री, तो ये क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा बाद में देन वन आएगा, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे वन क्यों आया, यहाँ पे जो माइनस भी तो आ सकता था, बट यहाँ पे जो थ्री है उसके बाद प्लस का साइन मतलब बड़ा साइन है, यहाँ पे जो माइनस टू है, ओके। यहाँ पे अगर फोर रहता तो यहाँ पे माइनस आता, सिंपल। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे वन लिख देंगे, ओके। चलिए हमने फर्स्ट देख लिया यहाँ पे, तो सेकंड कैसे होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम सेकंड में, यहाँ पे सेकंड का लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या दिया सी थ्री हमारा, यहाँ पे सेकंड का कितना दिया गया है ज़ीरो, ओके। हमने यहाँ पे जो फर्स्ट ऊपर वाला था उसे कॉलम थ्री का थर्ड का सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हम सेकंड का अब देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या लिखना है अभी हमें, ओके ओके। यहाँ पे सी थ्री पहले हम यहाँ पे इसका लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको एडिशन, यहाँ पे टू इंटू यहाँ पे सी टू, यहाँ पे कितना है वन है, ओके। यहाँ पे कितना वन, मतलब यहाँ पे टू प्लस ज़ीरो, तो कितना मिल जाएगा हमको टू ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टू, ओके। तो हमें यहाँ पे कितना मिला टू मिला, तो टू लिख देंगे, सिंपल। अब इसके बाद क्या हमें यहाँ पे थर्ड वाला ही फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे सी थ्री का कॉलम थ्री का, ओके। यहाँ पे क्या पहले इसको लिखेंगे थ्री प्लस टू इंटू कॉलम टू में कितना दिया गया है नाइन, मीन्स यहाँ पे नाइन टू से एटीन होगा, ओके। यहाँ पे एटीन और यहाँ का प्लस थ्री करेंगे, यहाँ पे अगर एटीन में हम प्लस थ्री करेंगे कितना एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन, सिंपल। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ट्वेंटी वन, मतलब यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी वन, ओके। तो
यहाँ पे हमने इसका जो पोरस सॉल्यूशन था वो किया। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे पहला क्या किया, दूसरा क्या किया। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 5 में A देखा। यहाँ पे हमें सिंपली एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिए गए, उसमें हमें चेंजेस क्या करने थे हमने वो देखा। यहाँ पे R1, R2, R3। ओके, यहाँ पे 3 × R3 करना था, इसमें 3 का पूरा जो रो है उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना था, हमने किया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, न्यू मैट्रिक्स। ओके, न्यू मैट्रिक्स हमें मिला। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एंड देन यहाँ पे C3 + 2C2। ओके, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि आपको समझना है कि इसमें जो जो चेंजेस करने हैं यहाँ पे किस में करने हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया रहेगा ना आपको, यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, C3 दिया गया था, तो हम क्या किया यहाँ पे C3 लिखेंगे ऐसे, वापस से पहला यहाँ पे जो दिया गया रहेगा, उसके बाद ये जो इतना दिया गया है ना वहाँ पे हम अपना पूरा लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी एक ही ये शॉर्टकट ट्रिक है जो इसको आइडेंटिटी के लिए यूज़ की जाती है, सिंपल। तो यहाँ पे इसके बाद हमने ये भी चेंजेस किए इसमें, और हमारा जो लास्ट आंसर और मेन आंसर था वो हमको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 3 × 3 का, और यहाँ पे जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो दिया गया है हमें। ओके, यहाँ पे C3 + 2C2, और उसके बाद जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसमें क्या करना है हमें वो भी दिया गया है यहाँ पे 3R3। ओके, चलिए पहला हमें यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना वो हम कर लेते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स में। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे इक्विवेलेंट को साइन। ओके, यहाँ पे हमारा 3 × 3 का ब्रैकेट, सिंपल। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था, देखिए यहाँ पे पहले हम क्या लिखते हैं ऐसे 3 and then C2। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से में जो कॉलम है उसमें आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट दिया जाएगा उसको ही आप पहले यहाँ पे लिखेंगे C3, और उसके बाद इन दोनों को साथ में लिखेंगे यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड साइन लगा के, कॉरस्पॉन्ड टू C3 + 2C3 2। ओके, सिंपल। यहाँ पे आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आपको अगर ऐसा दिया जाएगा C3 मतलब कि इसमें करना है जो पहला आपको यहाँ पे देखना है वो C3 मतलब कि कॉलम 3 में जो चेंजेस करने हैं वो करने हैं, और क्या चेंजेस करने हैं उसमें क्या करना है C3 ऐड करना है, बाद में 2 × करना है कॉलम 2 में। ओके, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले समय भी यही बताया था, यहाँ पे भी सेम ट्रिक जो है दी गई है। चलिए यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है C3 में करना है, तो यहाँ पे हमें जो गिवन मैट्रिक्स column 1, column 2 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे C3 corresponds to C3 + 2C2, यहाँ पे फर्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया गया है C3 पहले यहाँ पे 3 दिया गया है। ओके, यहाँ पे 3 लिखेंगे एंड देन प्लस यहाँ पे यहाँ का 2। ओके, यहाँ का C2 क्या दिया गया है यहाँ पे -1, यहाँ पे ये -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम, यहाँ पे -1 × 2 करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे क्या प्लस का साइन किसके पास है, 3 के पास, जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे मतलब प्लस ही रहेगा। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे क्या 3 − 2 करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फर्स्ट में 1, हमने क्या कर लिया फर्स्ट वाला जो उसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम सेकंड देखते हैं, यहाँ पे पहले C3 + 2C2, यहाँ पे C3 क्या है नीचे देखते हैं 0 है, प्लस 2 एंड देन C2 का यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 × 1 करेंगे हमें 2 मिलेगा, और 0 से करेंगे तो भी प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 ही।
ओके तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल टू लिख देंगे। एंड देन क्या है यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, नीचे हम लिखते थ्री सी थ्री क्या है यहाँ पे वन है, एंड देन प्लस यहाँ का टू, ओके यहाँ का टू एंड सी टू, यहाँ पे सी टू, यहाँ पे कॉलम टू, यहाँ पे कॉलम वन एंड कॉलम थ्री। हम इसे सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे कॉलम टू क्या है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे सी टू, यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे थ्री टू जो सिक्स, एंड देन यहाँ पे का वन प्लस करेंगे इसमें, ये कितना मिल जाएगा हमको, सेवन मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या सेवन सिंपली लिख देंगे, ओके यहाँ पे हमने क्या किया हमारा रफ वर्क, ओके यहाँ पे जो हमारा मेन था हमें यहाँ पे वो मिल गया। और उसके बाद क्या करना है एंड देन, और इसमें हमें इसके बाद क्या करना है एंड देन सी आर थ्री, आर थ्री मतलब यहाँ पे क्या है जो हमारा हमें यहाँ पे रो थ्री मिला है, ये रो थ्री और ये रो टू और यहाँ पे रो वन, ओके यहाँ पे क्या दे थ्री इंटू आर थ्री, मतलब यहाँ पे क्या करना है हमको थ्री का इस रो में पूरे मल्टीप्लिकेशन करना, और सिंपली हमें यहाँ पे हमारा जो न्यू मैट्रिक्स में करना है हमको यहाँ पे क्या करना है लिखते थ्री आर थ्री, ओके हमें मिल जाएगा। चलिए करते यहाँ का जो ऊपर का रो है हमें आर वन और आर टू हमें कुछ नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। चलिए थ्री बाय थ्री का ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे हम सिंपल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं जो फर्स्ट रो है एज इट इज़, यहाँ पे वन, यहाँ माइनस वन और यहाँ पे वन, और इसके बाद यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, टू यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, ओके तो चलिए हमने यहाँ पे ऐसे सिंपली लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें जो काम करना है यहाँ पे थ्री इंटू आर थ्री मतलब रो थ्री में मल्टीप्लाई करना है थ्री का, ओके तो चलिए करते हैं यहाँ पे थ्रू थ्री इंटू थ्री करेंगे तो कितना मिल जाएगा नाइन, और यहाँ पे वापस से थ्री इंटू थ्री करेंगे तो वापस से नाइन, एंड दिस सेवन इंटू थ्री करेंगे तो सेवन थ्री सा नाइन, सॉरी सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन, और यहाँ पे थ्री थ्री सा नाइन, ओके। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है रो में यहाँ पे आपको पहले नंबर दिया गया, देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर यहाँ पे नीचे छोटा सा थ्री मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने नीचे लिखा है आर थ्री मतलब यहाँ पे ये आपको कंसिडरेशन करना है, और यहाँ पे पहले बड़े में थ्री लिखा है तो उसके साथ क्या करना है उस रो का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी किया। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, पहले हमें यहाँ पे दिया गया था सी थ्री प्लस टू सी टू, ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है कंसिडर करना है पहले यहाँ पे किस में हमें वो करना है इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें इसमें करना था सी थ्री में जो हमें पहले दिया जाता है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया, और कॉलम थ्री का हमने जो एलिमेंट है उसमें सॉल्यूशन सॉल्व करके लिख दिए। एंड देन हमें यहाँ पे गिवन इक्वेशन के गिवन मैट्रिक्स के बाद हमने यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स किया, और न्यू मैट्रिक्स में हमने क्या किया थ्री इंटू आर थ्री, ओके यहाँ पे हमने वो भी किया, यहाँ पे हमने क्या किया थर्ड रो में थ्री का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, एंड देन हमारा ये जो लास्ट सॉल्यूशन था हमें मिल गया, ओके तो चलिए हम नेक्स्ट सब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हमें यहाँ पे दिया गया है। यूज़ द सूचिएबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वन टू थ्री फोर, ओके तो यहाँ पे हमें कुछ सूचिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, किस पे इस पे करने हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके यहाँ पे किस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस पे करना है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है टू कन्वर्ट इंटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखते हैं हम जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो क्या होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और भी इसका एक टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके यहाँ पे हमें क्या दिया गया अपर सिंपल, यहाँ पे हमें अपर दिया है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसका होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पता रहना चाहिए पहले से कि इसमें हमें किस टाइप के इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वो करने हैं, ओके तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले एग्जांपल में आपको इसमें जैसे कि 0101, ओके आपको ऐसा एलिमेंट दिया गया, जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिया गया तो इसमें हम किसको जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे,
ओके यहाँ पे हम चारों में, यहाँ पे हम किस में करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे जो सबसे नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसमें करेंगे। ओके यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो थ्री दिया गया है उसको भी हम किस में कर देंगे, कन्वर्ट, जीरो में। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे जो टू दिया गया है ऊपर का, ऊपर अप एंड राइट हैंड साइड में, उसको हम किस में कर देंगे, जीरो में कर देंगे। तो यहाँ पे इसका नाम कैसे पड़ा मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि नीचे वाले को जीरो करो ऊपर वाले की हेल्प से, मतलब यहाँ पे जो अदर एलिमेंट दिए गए हैं उनके हेल्प से क्या करना है, इसको जीरो करना है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे दिए गए नीचे दिए गए एलिमेंट को यूज़ करके हमें क्या करना है, ऊपर वाले को जीरो करना है। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे 8, 9, 10 अदरवाइज कौन से भी, मतलब यहाँ पे जो सिंगल नंबर एलिमेंट है उसको क्या करना है, जीरो करना है। ओके तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमें गिवन मैट्रिक्स है। ओके यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, यहाँ पे जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख लेते हो 1, 2, 3 एंड देन 4। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3 है इसको हमें ज़ीरो में करना है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ जैसे कि हमें दिए गए थे पीछे, हमें यहाँ पे फाइंड करने थे। ओके यहाँ पे हमें जो हमें न्यू मैट्रिक्स में करने थे वैसे हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि R2 करस्पॉन्ड टू, ओके यहाँ पे क्या करेंगे हम, R2 लिखते हैं। यहाँ पे हम जीरोस को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं R2 करस्पॉन्ड टू R2 -3R1। देखिए यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, इसको ज़ीरो कर पाएंगे इसको सॉल्यूशन करके। ओके यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे और भी कोई कॉलम में भी चेंजेस आप करके कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रो में किया है। ओके तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे R2 है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड। ओके सेकेंड जो ब्रैकेट हमें मैट्रिक्स का मिलेगा, तो यहाँ पे पहले हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे R2 हमारा क्या है, यहाँ पे पहले 3। ओके तो 3 क्या है, यहाँ पे जो R2 जो पहला दिया गया हमारा 3, उसे लिखते हैं हम यहाँ पे। बाद में क्या करना है, इसे (3) से मल्टीप्लाई करना है R1 को, यहाँ पे 3। ओके यहाँ पे R1 क्या दिया गया हमारा, 1 दिया गया है, यहाँ पे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 1 था इसको हमने क्या कर दिया, 3 में कन्वर्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ओके हमने यहाँ पे रो में चेंजेस करके यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। अगर यहाँ पे आपको भी ज़ीरो करना रहता तो आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे अगर हम 2 × 2 कर देते एंड देन क्या करते, माइनस कर देते ओके रो में ही, तो हमें क्या मिलता, यहाँ पे ज़ीरो मिल जाता। बट यहाँ पे हमें लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू द रूल हमें यहाँ पे इसको ज़ीरो करना है। ओके तो मैंने क्या किया, R2 में, R2 रो में, यहाँ पे हमने क्या किया, R2 -3R1। ओके तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। मतलब हमें अब यहाँ पे क्या मिल गया है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं हमने किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे इसको ज़ीरो में कर दिया। ओके यहाँ का ऊपर का एज इट इज़ एंड देन हमने यहाँ पे इसका भी करना है। R2 मतलब क्या, यहाँ पे पूरा है ना, तो पूरे में ऐसे ही सेम चेंजेस करने हैं। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले 4 लिखेंगे माइनस यहाँ का 3 एंड देन यहाँ पे क्या है, 1 की जगह यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे इसको (2) करेंगे। ओके यहाँ पे क्या होगा, 4 − 3 = 6, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे हमें वो साइन डालना है दोनों में, सिंपल इक्विवेलेंट 2। यहाँ पे हमारा जो मेन सॉल्यूशन था हमने इसको ऐसे किया। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैसे आएगा, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपको कैसे भी करके जो लाना है, यहाँ पे आपको 3, अगर यहाँ पे भी 3 रहता पहले से तो क्या करते आप, सिंपल करते R1 - R2 कर देते, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। बट
बट यहाँ पे 1 दिया है, तो आपने क्या किया यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई किया R1 को, एंड देन उसके बाद क्या किया माइनस कर दिया R2 से, तो हमें क्या यहाँ पे मिल जाता, तो भी 0 मिल जाता अगर यहाँ पे क्या रहता 3 रहता। ओके यहाँ पे 1 है तो 1 के हिसाब से हमने क्या किया जो चेंजेस हमें करने थे वो हमने इसमें किए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कन्वर्ट करना यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप पूछोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको रफ वर्क में यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है और यहाँ पे आपको इसमें चेंजेस कैसे करने पड़ेंगे। ओके तो हमने क्या देखा था कि जो अपर ट्रांस ट्रेंगुलर मैट्रिक्स था, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या करना रहता है यहाँ पे लास्ट में 0 लाना रहता है यहाँ पे कोई भी जो नंबर्स रहे। ओके यहाँ पे एलिमेंट्स रहे, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे हमने किस में देखा था अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स पिछले वाले सम में। ओके यहाँ पे इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं बट यहाँ पे आपको कैसे चेंजेस करने हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा 1 करना रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 करना रहेगा एंड देन यहाँ पे 1 करना रहेगा। ओके तो यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा 1 0 0 1 में, तो आपका वो क्या बन जाएगा गिवन मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके बाय सिचुएबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें हमें किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो हमें दिया गया है यहाँ पे पिछले वाले सब में क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये नहीं दिया गया था। ओके तो यहाँ पे हमें किस टाइप का करना है यहाँ पे रो में, मतलब कि यहाँ पे ये R1 और ये R2 में क्या करना है चेंजेस करके करना है। अगर हमें कॉलम वाइज दिया जाए तो हम कॉलम वाइज करके जो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो हम करते, बट यहाँ पे हमें क्या दिया गया है रो, तो इस बार हम क्या करेंगे रो लेंगे और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। ओके यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3। पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ओके इसे हम क्या करेंगे 0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे R2 यहाँ पे ये लिखते हैं हम R2 और यहाँ पे ये R1। ओके यहाँ पे हमने 1 लिख दिया था, यहाँ पे 2। ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्या कर देंगे कि यहाँ पे रो वाइज करना है ना। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो 2 है यहाँ पे 1 है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे 1 को 2 में, और क्या करेंगे R2 माइनस R1 करेंगे हम, यहाँ पे 2 माइनस 2 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हमें किस में करना है चेंजेस R2 में, हमें इस वाले रो में चेंजेस करना है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे R2 करस्पॉन्ड टू, ओके किसको ये करस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे क्या है R2 एक इसमें R2 में ना, यहाँ पे R2 माइनस क्या R1, R1 में क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो 1 है यहाँ पे 2 हो जाए। ओके यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे R2 हमें कितना दिया गया 2 है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ओके तो यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। सिंपल, तो हमें यहाँ पे 0 चाहिए था, हमें यहाँ पे मिल गया 0। तो हमने क्या किया यहाँ पे जो पहला फर्स्ट स्टेप था वो सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पे हमें 1 दिया गया है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे एंड देन 0। ओके यहाँ का हमें 0 मिल गया है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं हम, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का बॉक्स बना लेना। ओके यहाँ पे 1, यहाँ पे जो ऊपर में हमने कोई चेंजेस नहीं किया था तो ऊपर का एज इट इज़ लिखते एंड देन यहाँ पे हम 0। ओके यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन किया और यहाँ का 3 हम करते। अब यहाँ पे 3 में क्या चेंजेस होगा चलिए यहाँ पे रो 2 का अब हम क्या लेते 3, यहाँ पे 3 लिख लेते एंड देन क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है रो फर्स्ट से। ओके यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस
टू हो जाएगा एंड देन यहाँ पे थ्री, तो हमें कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कितना मिल गया, वन। ओके तो हम यहाँ पे क्या करते, वन लिख देते, सिंपल। एंड देन क्या करना है हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हुआ क्या अभी तक, नहीं। ओके यहाँ पे ज़ीरो वन, यहाँ पे ज़ीरो वन हो गया, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन। तो यहाँ पे जो माइनस वन है, यहाँ पे ये आर वन में हमें क्या करना है, अब ज़ीरो करना है। ओके अगर हम यहाँ पे आर वन माइनस आर टू करते, माइनस करते, सॉरी यहाँ पे अगर हम प्लस करते, देखिए यहाँ पे हमें क्या, माइनस का साइन पहले से दिया गया, तो हम क्या करेंगे, देखिए आर वन प्लस आर टू। ओके किस में चेंजेस करने हैं हमें, आर वन में, आर वन करस्पॉन्ड टू आर वन प्लस आर टू। ओके यहाँ पे क्या, आर वन कितना हमें दिया गया है, माइनस वन दिया गया है, और क्या कर रहे हैं हम इसका एडिशन कर रहे हैं किसके साथ, यहाँ पे आर टू के साथ। ओके आर टू के साथ यहाँ पे वन, तो हमें कितना, वन माइनस प्लस वन क्या, मतलब वन माइनस वन करेंगे तो हमें ज़ीरो मिल जाएगा। ओके यहाँ पे हमें कितना मिल गया, ज़ीरो मिल गया, सिंपल। यहाँ पे जो हमारा माइनस वन था वो हमें कितना मिल चुका है, ज़ीरो। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे इक्विवेलेंट टू। ओके यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन, और यहाँ पे ये टू बाय टू का मैट्रिक्स हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या हमें वन ज़ीरो, ओके ज़ीरो हमने अभी फाइंड किया। ओके और यहाँ पे हमने क्या किया, आर वन का हमने ये पहला किया, और यहाँ पे इसके करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आर वन प्लस आर टू अकॉर्डिंग टू द रूल, यहाँ पे आर वन प्लस आर टू, यहाँ पे वन प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। ओके तो यहाँ का वन, तो यहाँ पे हमें आर टू में हमने चेंजेस के लिए कुछ बोला नहीं था, तो क्या आर टू हमारा जो एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हुआ कि नहीं, यहाँ पे वन ज़ीरो वन ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो वन ज़ीरो वन, तो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे आई इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे, ओके वन ज़ीरो ज़ीरो वन, ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे इसको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करना था और रो वाइज करना था इसे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, किस टाइप का करना है। यहाँ पे हमें रो वाइज दिया गया था। ओके अगर कॉलम वाइज दिया जाता तो हम क्या करते, इसमें कॉलम वाइज करते, बट यहाँ पे हमें क्या दिया था, रो वाइज। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, रो वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन और नाइन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 2.1 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया ट्रांसफॉर्म करना, यहाँ पे इसमें गिवन मैट्रिक्स में इनटू अ अपर मैट्रिक्स। ओके यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किस में करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हमें पहला कैसा दिया गया था, यहाँ पे वहाँ पे हमें समझिए यहाँ पे क्या है, फोर एलिमेंट्स हमें दिए गए थे, बट यहाँ पे क्या है, थ्री बाय थ्री का एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पे नाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसको ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डायगोनल, इससे जो बीच में हम यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे, ये अगर हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, लो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये जो डायगोनल के नीचे दिया गया है उसको किस में करना है, हमको ज़ीरो में करना है। ओके अगर यहाँ पे क्या रहता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो डायगोनल के ऊपर है उसको ज़ीरो में ये तीनों को करना रहता। ओके तो हम क्या करने वाले, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पे टू थ्री टू को क्या करने वाले, किस में कन्वर्ट करेंगे, ज़ीरो में। ओके आगे देखते क्या लिखा गया, सुचुएबल स्विच टेबल, यहाँ पे कॉलम दिया गया है। ओके कॉलम, जैसे हमने पीछे रो यूज़ किया था यहाँ पे, बट हमें क्या करना है, कॉलम वाइज, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड एंड देन कॉलम थर्ड, यहाँ पे ये ऐसे वर्टिकल लाइन में हमें कॉलम को के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन जो है करने है। ओके यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के थ्रू क्या है करने है। चलिए यहाँ पे पहले हमें जो दिया गया गिवन मैट्रिक्स वो लिख लेते हैं हम, सिंपल। आपको जो पहले लिखना है हमें क्या दिया गया है, वन टू थ्री माइनस वन वन एंड देन हियर टू
2 3 2 3 4 2 3 4। ओके, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको 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 क्या करना है, हमको ज़ीरो करना। ओके, यहाँ पे 2 3 2 को यहाँ पे कॉलम वाइज, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ये सेकंड कॉलम, यहाँ पे ये थर्ड कॉलम। ओके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 को करना है। अगर हम यहाँ पे देखिए कॉलम फर्स्ट, क्या करेंगे हम, करस्पॉन्ड करेंगे कॉलम फर्स्ट माइनस, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, कॉलम सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ओके, कॉलम सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड देन क्या कर देंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते कॉलम 1 फर्स्ट करस्पॉन्ड टू कॉलम फर्स्ट माइनस 2 इंटू कॉलम 2। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, सिंपल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, C1। यहाँ पे अब जो चेंजेस है किस में होगा, वो पूरे कॉलम 1 में होगा। ओके, चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे देखिए इक्विवेलेंट टू, एंड देन क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट 3x3 का बना देते। ओके, यहाँ पे 3x3 का ब्रैकेट, और जो चेंजेस हैं यहाँ पे हम वो करते, सिंपल। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, C1 में क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट लेते ऊपर का, C1 का कॉलम फर्स्ट का माइनस करते इससे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, C1 यहाँ पे पहले हम इसे पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, कि कोई हमें कॉन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे, तो आप इसको अपने दिमाग में कर सकते हैं फटाफट। ओके, तो आपको बस इसमें प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम, C1 क्या है हमारा, 1 है, यहाँ पे -2, एंड देन यहाँ का 2, यहाँ पे क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। ओके, यहाँ पे इसे ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ का ये -1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3, 1 + 2 = 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में 3, एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका, ओके, यहाँ पे 2 क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन माइनस, यहाँ पे क्या 2, एंड देन ईयर माइनस इसका 2, यहाँ का कॉलम 2 का, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, एंड देन क्या होगा, 2 × 1 = 2, एंड देन 2 − 2 = 0। ओके, 2 − 2 = 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम तब 0, तो हमें क्या होगा, 1 0 था वो हमें मिल गया है। ओके, एंड देन यहाँ पे हम नीचे करते हैं, यहाँ पे हम इसके वैल्यू पुट करते हैं, C1 में 3rd, C1 यहाँ पे 3। ओके, एंड देन माइनस, एंड देन दिस 2, यहाँ पे C2 में क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करते 2 × 2 = 4 −3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, −1 आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं −1, और जो बाकी का कॉलम है उसे हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, −1 − 1 − 2 − 2 − 3 − 8 − 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, यहाँ पे जो 3 है ना उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे जो 2 था उसको क्या किया था, यहाँ पे कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 को क्या कर दिया था हमने, 2, तो बाद में हमने क्या कर दिया था दोनों का, माइनस। ओके, यहाँ पे देखिए हमने किया था माइनस करने को, तो यहाँ पे हमें 0 मिला था, वैसे हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। ओके, चलिए करते हैं हम यहाँ पे क्या, अभी 0 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C3, यहाँ पे कॉलम 3 में चेंजेस करने हैं ना, C3। ओके, C3 माइनस, किससे माइनस करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 को। ओके, चलिए करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंजेस 3
C3 मतलब कॉलम 3 में करना है। यहाँ पे जो कॉलम पहले हम क्या करते हैं इसको जैसे वैसे हम यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं। ओके यहाँ पे लिखते हैं हम तो 3x3 का हम ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पे 3 0 -1 यहाँ का -1 1 एंड देन 2। चलिए चेंजेस यहाँ पे हमने जो 3 करने C3 में वो कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया गया पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे चेंजेस करने में हमें यहाँ पे इजी पड़ेगा। ओके C3 -3 C2 1 यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे C3 2 लेते हैं एंड देन माइनस यहाँ पे 3 किससे यहाँ पे -1 से। ओके यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड देन 3 × 1 3 यहाँ का 2 तो यहाँ पे अभी हमें कितना मिलेगा 5 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ओके एंड देन यहाँ पे क्या करना है आप यहाँ पे C3 नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 दिया गया है यहाँ पे -3 × यहाँ का 1। ओके C2 का यहाँ का 1 इसको करते 3 - 3 हमें कितना मिल जाएगा यहाँ का पहले अलग कर यहाँ पे 3 - 3 हमें 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख देते। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे यहाँ पे C3 यहाँ पे 4 है एंड देन माइनस यहाँ का 3 और यहाँ का 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 - 4 तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे -2 लिखते सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या ये 2 मिला है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे 1 में करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको 1/2 से क्या करते मल्टीप्लाई करते। ओके यहाँ पे जो -2 किस में हो जाएगा -1 में हो जाएगा। ये जो कॉलम है वो किस में हो जाएगा अगर हम कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। ओके तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिल जाएगा सिंपल। चलिए हम यहाँ पे इसे 1 में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब C3 यहाँ पे हमें इसमें चेंजेस करने C3 ओके करस्पॉन्ड टू C3 × यहाँ पे हमें इसमें इसका किसका मल्टीप्लाई करना 1/2 का। ओके यहाँ पे देखिए अगर हमें माइनस हटाना तो यहाँ पे हम माइनस कर देते जिससे हमें और इजी हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसका माइनस भी हमने कर दिया जिससे कि ये माइनस यहाँ पे रहेगा ये माइनस यहाँ पे और ये माइनस कट हो जाएगा ये सिंपल हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ओके चलिए इसका आगे का सॉल्यूशन करते पहले तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंस का साइन लगाते हैं। ओके एंड देन ब्रैकेट जो 3x3 का उसे हम पहले बना लेते और चेंजेस करने में 3x3 में और यहाँ पे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एज इट इज़ पहले हम लिख लेते। ओके इससे हमें क्या होगा इजी होगा -1 एंड देन यहाँ पे 2 यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जो चेंजेस करने यहाँ पे हम करते अगर यहाँ पे हम क्या करते यहाँ पे देखिए आप 5 है इससे मल्टीप्लाई करना 1/-2 से C3 में और इसमें। ओके क्या होगा यहाँ पे क्या डिवाइड नहीं हो पाएगा। ओके यहाँ पे क्या 2 अगर यहाँ पे 5 रहता तो 1 1 हो जाता। ओके यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे हमें जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -5 एंड देन यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे बुक में ऐसे लिखना है। ओके अगर यहाँ पे हम बोर्ड में लिखते तो यहाँ पे हम कैसे लिखते ऐसे लिखते यहाँ पे हमें बुक में जो ऐसे लिखना है। ओके सिंपल एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जो 0 है अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे क्या है 0 इसको किससे करना है मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1/2 से क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके तो यहाँ पे अगर 0 ऊपर और यहाँ पे नीचे रहता तो यहाँ पे हमेशा 0 आता। अगर यहाँ पे 0 नीचे रहता और 2 ऊपर रहता तो क्या आता यहाँ पे अनडिफाइंड। ओके तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया हमें 0 मिल गया तो 0 हम यहाँ पे लिख देते। ओके तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए -2 × 1/2 मतलब क्या 2 - 2/-2। ओके यहाँ पे -2/-2 -- कट एंड दिस 2 1 2 तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सिंपल। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम देखते चलिए यहाँ पे हमने क्या किया पहले देख लेते वापस यहाँ पे कॉलम 3 में हमने चेंजेस किए
कॉलम थ्री में हमने क्या किया यहाँ पे, सी थ्री इंटू वन अपॉन माइनस टू हमने इसमें किया। ओके, यहाँ पे हमने माइनस क्या किया, जो माइनस का साइन है हट जाए और यहाँ पे हमें सिंपल जो वन है वो मिल जाए। ओके, तो इसके बाद क्या हमें स्टेप देखने हैं, चलिए करते हैं। यहाँ पे जो माइनस वन है और यहाँ पे वन, अगर हम इसे क्या करते हैं ऐड करते हैं, देखिए माइनस वन ऐड करते हैं यहाँ पे प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे हमें ज़ीरो चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ज़ीरो, सिंपल। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को ऐड करते, ओके यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें किसके लिए यहाँ पे ऐड अप करना है, कॉलम फर्स्ट को इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, कॉलम फर्स्ट हमें चाहिए, कॉलम फर्स्ट करस्पॉन्ड टू यहाँ पे कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम थर्ड। ओके, यहाँ पे हमने लिखा कॉलम फर्स्ट को हम प्लस करेंगे कॉलम थर्ड के साथ। तो यहाँ पे हमें करेंगे, देखिए यहाँ नीचे, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू साइन, यहाँ पे थ्री बाय थ्री का हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थ्री प्लस, देखिए ऐसे थ्री प्लस माइनस फाइव अपॉन टू, अगर ये यहाँ पे क्या होगा ऐड। ओके, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नीचे यहाँ पे वन है तो यहाँ पे प्लस है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको इससे माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस होगा तो क्या माइनस, और यहाँ पे ये एक दूसरे से टू वन जा टू। ओके, यहाँ पे वन इंटू टू करेंगे तो सेम। ओके, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए सिक्स माइनस फाइव कितना हो जाएगा वन। ओके, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या वन अपॉन टू। ओके, जो हमें फाइंड हुआ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको क्या करना है, सी वन प्लस सी थ्री, यहाँ पे इसको इसको ऐड करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो ऐड करेंगे, सिंपल हमें पता है कि ज़ीरो ही आने वाला है। यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे प्लस वन, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी हमें ज़ीरो मिला, यहाँ पे क्या आ गया हमको ज़ीरो मिल गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके यहाँ पे भी क्या करना है हमको ज़ीरो करना है, सिंपल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सी वन था चेंजेस हमने यहाँ पे सी वन में करने थे, और जो बाकी के दो बचे हुए उसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या है माइनस वन टू, यहाँ पे दोनों कॉलम लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी हम, और नेक्स्ट भी स्टेप भी करते हैं, माइनस फाइव अपॉन टू एंड दिस ज़ीरो एंड यह वन। ओके, चलिए यहाँ पे मैं लाइन मार देता हूँ कि यहाँ पे एक ही पेज में जो हमारा सॉल्यूशन है वो हो जाए, सिंपल। अब हमें क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे ज़ीरो। ओके, चलिए इसको ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे टू रहता है यहाँ पे वन, अगर हम इसको कॉलम थ्री को क्या करते हैं टू से मल्टीप्लाई करते हैं, चेंजेस इसमें करने के लिए कॉलम टू में कॉलम थ्री को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वन टू टू वन ज़ा टू हो जाता। ओके, यहाँ पे क्या दोनों को माइनस कर देते हैं हम, तो सिंपल जो हमारा सॉल्यूशन है वो हो जाता। चलिए लिखते हैं यहाँ पे चेंजेस इसमें करने कॉलम टू में, यहाँ पे कॉलम टू। ओके, चलिए लिखते हैं यहाँ पे कॉलम टू कॉरस्पॉन्ड टू, क्या करना है यहाँ पे अभी इसमें, ये जो कॉलम थ्री है, देखिए पहले यहाँ पे लिखते हैं हम कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री को किस से मल्टीप्लाई करना है टू से, कि यहाँ पे हम इसे माइनस करें तो बाद में ये ज़ीरो हो जाए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कॉलम थ्री। ओके, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं इक्विवेलेंट टू, ओके ब्रैकेट बनाते हैं थ्री बाय थ्री का, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी टू हमें चेंजेस करना है, यहाँ पे सी वन और सी थ्री जो हम यहाँ पे एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे वन अपॉन टू
यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, और सी टू में करना है तो सी थ्री भी लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चेंजेस है उनमें वो हम करते हैं। यहाँ पे हमने सी वन और सी थ्री लिख लिया। चलिए सी टू में कैसे चेंजेस करने वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सी टू को माइनस करना है और इनको टू से मल्टीप्लाई करके, ओके लिखते हैं यहाँ पे हम इनका क्या माइनस। ओके सी टू कितना हमें दिया गया है यहाँ पे, सी टू माइनस वन है, क्या करना है इसका माइनस फाइव अपॉन टू। ओके यहाँ पे क्या है फाइव अपॉन टू, यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे जो टू बेस का मल्टीप्लाई जैसे कि हमने ऊपर किया था, तो यहाँ पे टू माइनस टू, यहाँ पे ए फाइव, और नीचे क्या बचेगा टू। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे ए टू और यहाँ पे ए टू, यहाँ पे बचेगा वन, तो माइनस वन और यहाँ पे ये माइनस फाइव। ओके यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इनका माइनस किया था। माइनस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले से माइनस फाइव है और यहाँ पे माइनस वन है, तो यहाँ पे जो माइनस रहेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे अगर माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन है, तो फाइव में से फोर वन जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमें फोर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ज़ीरो सॉरी यहाँ पे वन माइनस ज़ीरो करेंगे, वन माइनस ज़ीरो करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ओके वन। देखिए यहाँ पे क्या है ज़ीरो सॉरी वन माइनस ज़ीरो तो कितना मिल जाएगा, वन, सिंपल। तो यहाँ पे वन लिख दिए, और उसके बाद क्या यहाँ पे देखिए टू, टू और यहाँ पे इससे क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई सी थ्री है, यहाँ पे क्या टू इंटू टू करेंगे तो यहाँ पे इनका माइनस है। ओके यहाँ पे इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, यहाँ पे इनका माइनस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू माइनस टू जीरो। तो हमें यहाँ पे क्या लाना था, अकॉर्डिंग टू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे तीनों जीरो जो हमने यहाँ पे ला दिया। यहाँ पे देखिए अगर हम जीरो को यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डायरेक्ट किया, अगर यहाँ पे जीरो को टू से मल्टीप्लाई करते तो भी हमें जीरो मिलता, इसलिए हमने क्या किया जीरो माइनस वन किया तो हमें वन मिला, सिंपल। तो यहाँ पे इसको करना था। ओके हमारा जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।